हेलो जी, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश अपने अपने घरों के अंदर। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया हुआ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ फिलहाल यार, अभी डायरेक्ट कॉलेज आ गया था, इंटरव्यू वगैरह करना था और बाकी आज का सीन देखते हैं। आज के सीन में क्या होता है और आज के दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी जियो मुर्शीद हमारे साथ हैं। मुर्शीद साहब, क्या वालेकुम सलाम। कुछ नज़र आ रहा है वो ऊपर देख के कहाँ पर, वो बिल्डिंग ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। सर सर कैसे आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, अब ठीक हूँ। देखने के बाद सही सही ताजा हो गया आपका चेहरा वगैरह, ये चेहरा सब्जा आ गया, सब्जा आ गया सही। और सुनाए तबीयत वगैरह ठीक है? शुक्र सर, आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज प्रेजेंटेशन भी है हमारी, प्रेजेंटेशन के हवाले से बताए। सैटरडे को भी छुट्टी थी, ये पूछ रहा था भाई जान। सैटरडे को भी छुट्टी थी और संडे की भी छुट्टी थी, सैटरडे और संडे छुट्टी, फ्राइडे को प्रेजेंटेशन मिली थी और आज है मंडे, तो क्या एक्सपेक्टेशन रखें हम आपसे? सर क्या रख सकते हैं, सैटरडे की छुट्टी थी, सैटरडे की रात को सोचा यार प्रेजेंटेशन है सबसे अच्छी करनी है, इंशाल्लाह संडे की रात पढ़ पढ़ के सिस्टर मदर इक्वल कर देनी है बुक की। सही। संडे को कहा यार 2:00 PM प्रेजेंटेशन है, अभी पढ़ लिया तो सारा दिन क्या करूँगा, तो कहा कि नहीं दिन को पढ़ेंगे, मतलब संडे की रात भी ख्वाबों में गुजर गई। ठीक हो गया मंडे। आज सुबह मैंने कहा बुक्स खोलता हूँ, फिर मैंने कहा जो पिछले 2 दिनों मैंने किया 1 घंटे में क्या कर लेना, जाके देखी कि जो होगा हो जाएगी। सही सही, चले गुड हो गया, ये भी बात ठीक है। अच्छा मुझे मुर्शीद, मुझे एक बात तो बताओ, लड़कियाँ क्या चीज़ पसंद करती है? लड़कियाँ हाँ, लड़कियाँ पसंद करती है एनीवन, कोई भी एक मुस्तकीम, ये तो कुछ ज्यादा लंबी होगी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। फिर भी कोई भी एक ऐसी चीज जो लड़की सबसे ज्यादा यानी कि उनको अट्रैक्टिव लगती है? अगर मैं हकीकत में बताऊँ तो अपनी तारीफ सबसे ज्यादा बल्कि आज के क्वेश्चन में यही लेके आए, सारे लड़के यही क्वेश्चन करना आपके भाई ने। नहीं नहीं, वो सबसे ज्यादा अपने तारीफ। हाँ नहीं, ये बात वैसे ठीक है तारीफ वाली। चलें बाकी कॉलेज चलते हैं और लोगों से भी मिलवाते हैं आपको और आज का सीन दिखाते हैं। 1:37 लेटर। हेलो सर। सर जी अस्सलाम वालेकुम। उच्ची बोल है, की हो गया, की हाल है? तो वैसे ठीक है, क्या हो गया? वरना हम अपनी पब्लिक को बोले सर आपके लिए दुआएं करें, बच्चियों को कहें दुआएं कर दें मेरे लिए, ठीक हो गया। और बच्चियां 5 नमाज पढ़ती हैं, बच्चा पढ़ते नहीं। सही, चले नमाज पढ़ा दें, दुआ करें मेरे लिए। अबे साले जो माफ करना मैं हो गया। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन के सवाल का जवाब तो दो, लड़कियां क्या चीज पसंद करती हैं? पता नहीं क्या पता नहीं है, फिर भी एनीवन, कोई जो अपनी तरफ जाने के वो कहती है कि भाई हाँ भाई पैसा गोल्ड डिगर, यानी बड़ा हरामी हो गोल्ड डिगर, बच्चियां होती गोल्ड डिगर सारी की सारी, सारी की सारी, कोई एक लॉयर नहीं आपके साथ, कोई भी नहीं है, कोई घंटा भी नहीं फर्क पड़ता। आए हाय, ये तो दुख हो गया सर आपके दिल में तो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरशद जानू, जानू कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक, तबीयत से ठीक है? अरे नहीं यार, ये नहीं। बहुत ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, आर्मी में जा रहा हमारा बंदा। तबीयत से ठीक है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ थी, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, दुआ है आपकी। इतने दिनों बाद कॉलेज आ रहे हैं, सिर्फ 2 दिन आए रेगुलर से जब से क्लास स्टार्ट हुई है, क्या मसरूफियात थी आपकी? अरे मैं रेगुलर हूँ, किसने कहा था मैं नहीं आ रहा? फ्राइडे को आए जी, आया था मैं, झूठ, आया था नहीं आया था जी, आया था सर, नहीं आया था, वो भी नहीं आया था, ये भी नहीं आया, कोई निशानी? अच्छा निशानी, सर ने क्या का प्रेजेंटेशन दी थी उनके शक्ल पर, उसने कहा जो स्कार्ड और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, क्या बदला आया। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे, लड़कियां क्या चीज पसंद करती हैं? लड़कियां देखती पैसा यस, अगर आपके पास पैसा है ना तो आपको एक लड़की नहीं चार चार पांच पांच पीछे होंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, एक लड़के नहीं चार चार पांच पांच पीछे होंगे आप। ओए अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो लड़के आप जितने मर्जी आप खूबसूरत है, आपके पास पर्सनैलिटी जो कुछ भी है ना, वो जब तक आपके पास गाड़ी नहीं देखेंगी, पैसा नहीं देखेंगे, कभी नहीं आएंगे। क्या बात है। अच्छा आपके साथ कोई लड़की लॉयर है आपकी जिंदगी में अभी तक? नहीं है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे? अच्छा अनकरीब शादी है। ओ माय गॉड, दिल तोड़ दिया उस आदमी ने तो। नहीं लड़कियां ना गाड़ी कर, एक जाए दूसरी आ जाती है, हमने कभी दिल पे लिया ही नहीं किसी। क्या बात है, क्या बात है, क्या हाल है? ठीक सर, आप सुनाए तबीयत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, सब चीजें खैरियत है। कहाँ इतने दिन
रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, पढ़ना लिखना नहीं पढ़ना यार, पढ़ के क्या करेंगे क्या करेंगे बेटी, वो तो आपके हालात से वैसे ही पता चल रहा है हमें। इंशाल्लाह आपने फ्रीलांसिंग करेंगे, व्लॉग्स व्लॉग बनाएंगे, हाँ, पैसे कमाएंगे, इसी के अंदर पूरा हो जाएगा। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। सही, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, बताओ लड़कियां क्या चीज पसंद करती हैं? यार पहली बात तो ये है कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की है, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं पता वो पसंद क्या करती है। आजकल जो मैं देखने में आ रहा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यही पसंद देखने में आ रहा है कि गोल्ड डिगर होती हैं, पैसा चाहिए उन्हें बस, गाड़ी देखी नहीं, बॉयफ्रेंड को छोड़ के पिक लेना, अगला बंदा निकला गाड़ी से वो कहेगा जी मेरी गाड़ी, वो कहेगी चले मैं डेट पे चलती हूँ, बेचारा बॉयफ्रेंड उसकी शक्ल ऐसे देख रहा हूँ क्या हो। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, ऐसे कभी ही कोई लड़की लोए नहीं हुई, मतलब क्या आपकी जिंदगी में कोई लड़की आई नहीं है? मेरी जिंदगी में भाई सिंगल है हम, बाबा जी सिंगल, मर जाओ फिर तो डूब गए, इतनी दुनिया आवाम, इतनी सारी लड़कियां और अकेले सिंगल फिर रहे हो। यार देखो हमारा अपना लेवल है, अच्छा। जब मिलेगी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो घंटा फर्क पड़ता है। तो अच्छा जी यार, काली से फ्री वगैरह होकर तो मैं आ गया था घर, फिलहाल जो आज की जो शाम में जो था हमारा जो टाइम था वो हमने दिया हुआ था अपने एक दोस्त को, तो उनके पास जाना है फिलहाल अभी, बाकी देखते हैं मगरिब के जाने वगैरह हो गई हैं और 7:30 का टाइम हो रहा है, तो बाकी उनके पास चलते हैं, देखते हैं, गपशप लगाते हैं उनके साथ थोड़ी बहुत। और काफ़ी टाइम से हम लोग डिसाइड कर रहे थे यार, टाइम निकालते हैं, मिलना कर रहे हैं, कभी उनको टाइम नहीं मिला था, कभी मुझे नहीं मिल रहा था, तो बाकी उनकी ज़ुबान में भी आप लोग सुनिएगा क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो बाकी चलते हैं उनके पास और वहाँ पर जाके आपसे मिलवाते हैं उनको। A few moments later. अच्छा यार, तुमने भाईजान ये अगर अपलोड की। अच्छा यार हम ना अपना क्या, इसको मैंने उठाया ऑफिस था ये, फिलहाल अभी तो चिप्स खा रहे हैं, अभी देखते हैं और कहीं जाते हैं क्या खाना पीना हो रहा है। ये कह रहा है मेरी ना तस्वीर ठीक नहीं आएगी, इतना प्यारा हमारा हाफिज साहब है। हाफिज साहब क्या हाल है यार? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, वैसे मैं माशाल्लाह से ही प्यारा हूँ, वो की जरूरत नहीं है, दरअसल ना यार मेरे ना बाल खराब है, मैंने कैप ली हुई थी, तो इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि यार ना पिक ले ना वीडियो बना, लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्त वही जो किसी की ना सुने, ये वो दोस्त है, अब इसको कुछ कह भी नहीं सकते। सही सी तरह। अच्छा मुझे ये बताओ, इतने दिन से ना आप टाइम निकाल रहे थे ना मुझे मिले था, क्या बीच की ऐसी एकदम से टाइम निकालना पड़ा आज आप भी मिले मुझे और मैं आपको मिला, बताए हंसे कम बातें करें यार, जो टाइम नहीं मिल रहा था ना, हाँ उसकी वजह पैसा। अगर आपने पैसा कमाना है ना तो भाईजान वो कहते हैं ना छुप जाओ बस, कहीं चले जाओ, वो कहते नहीं कहते कि ना कर, जो अपनी वो है ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाने लगे, तो बस तो समझ ले मेहनत कर रहे थे। सही चले, बाकी हम चिप्स वगैरह खा रहे हैं यार, बाकी मैं बताता हूँ सीन ये था कि ना इसको टाइम मिला था ना मुझे मिला था, क्योंकि मैं सुबह कॉलेज शाम में फिर काम, ये सारा दिन ऑफिस होता था, ऑफिस में कई प्रोजेक्ट वगैरह बनाने जा रहे हैं, आउट टू सिटी जा रहे हैं, तो इसलिए यानी काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो गया था, तो आज टाइम निकाला बड़ी मुश्किल से हमने, और तीसरे जो हमारी फैमिली दुल्हन है वो उसको भी कहते हैं कि हम साउथ साहब को भी, तो उनको देखते हैं, वो मेरा ख्याल अभी पीछे अपने गाँव साइड पर गए हैं शादी वगैरह, तो वो आएगा उसके साथ भी डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो बाकी आप क्या बोलना चाह रहे हैं यार? जो हमारा तीसरा दोस्त है ना, दोस्त नहीं भाई है हमारा, ठीक है, वैसे वो नहीं है ना यहाँ पे, तो बड़ा वो अजीब सा फील हो रहा है, जब वो होता है ना तो शुगर बड़े लगते हैं, बड़ा मजा आता है, तो हम उसको बड़ा मिस कर रहे हैं। सही, चले गुड हो गया, चले बाकी चीज वगैरह खाते हैं फिर मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या प्रोसीजर थोड़ी सी। One hour later. अच्छा यार, तो अभी हम बैठे थे छोटे से पॉइंट के ऊपर, ये इसने शवरमा खाया, ये कहते हैं मैंने शवरमा खाना है, बर्गर मुझे पसंद नहीं है, मुझे अड़ जाता है। हाँ जी, तो यार हम लोग वहाँ से खाना वगैरह खा कर फ्री हो गए थे, तो खैर थोड़े पैसे वगैरह चाहिए थे, तो ATM यूज़ करने आए हैं, बाकी ATM यूज़ करते हैं फिर देखते हैं। पैसा ही पैसा हो गया। अच्छा यार मैं ना ATM यूज़ करने आया, मेरा ATM हो गया ब्लॉक। पता नहीं क्या है, ATM चल नहीं रहा भाई जान हमारा, छोड़ दो। अच्छा तो यार ATM ना ब्लॉक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो किस तरह के, उसे बताएगा उसे ATM ब्लॉक हो गया यार। यार समझ नहीं आ रहा, पेमेंट भी पड़ी है और ATM समझ लो के ना लग गया, बस लग गया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। और दूसरा
यार फिलहाल फाइनली वहाँ से फ्री होकर घर आ गए हैं। तकरीबन जो टाइम है वो हो रहे हैं 10 बजने आने हैं, 15 मिनट है 10 बजने में। बाकी यार फिलहाल तो एक टेंशन चल रही है कि भाई जान हमारा हो गया है ATM ब्लॉक। आई डोंट नो यार किस तरह से वो हुआ है, क्या चक्कर है, क्या चक्कर नहीं हुआ। तो बाकी अमाउंट वगैरह भी उसी के अंदर है, बस टेंशन थोड़ी सी ये है कि लक्ष्मी कहाँ से लें हम अपनी। तो बाकी उसका एक जुगाड़ करते हैं कि एक अपना ऐप से किसी और, यानी कि खैर ATM कार्ड तो मेरे पास एक ही था, या अगर किसी और यानी कि आई थिंक जैस कैश या इजी पैसा जो पतनी क्या है उसके अंदर अगर जा सकते हैं पॉसिबल हुआ तो वो करते हैं। बाकी देखते हैं नेट वगैरह के ऊपर सर्च वगैरह करेंगे उसको, बाकी क्या उसका प्रोसीजर है, क्या कुछ करना है। बाकी अम्मा हमारे आएंगे तो बाबा जी तो फिर ही उसका हल होएगा मसला, वरना नहीं हो रहा वो। तो बाकी ये है कि कॉल वगैरह की थी लेकिन मांग रहे हैं वो रिक्वायरमेंट जो जो हमें चाहिए, तो उसमें वाली साहब का भी होना लाजमी है। तो बाकी ये है कि यार दोस्त के पास गए थे और अच्छा टाइम स्पेंड हुआ काफ़ी, यानी कि लॉन्ग यानी कि काफ़ी टाइम बाद यानी कि मुलाकात हुई थी और काफ़ी यानी कि, बट ये कि शॉर्ट टाइम मिला और जितना हो सका हमने अपने आप को यानी कि गेट टुगेदर किया एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक शुगर मिला, इधर की बातें उधर की बातें वगैरह की हैं। तो बाकी यार उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद नहीं भी आया तो पसंद करने की लाजमी कोशिश करना, सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना यार, सब्सक्राइब ठोक दो बटन, तोड़ दो बटन, ये लाल जो बटन दिख रहा है ना तोड़ दो इसको। तो बाकी इंशाल्लाह यार याद करते हैं व्लॉग की एंडिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, याद रखिएगा, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।